ये प्रश्नावली 13 दशमलव 2 सीधा और प्रतिलोम समानुपात के अंतर्गत शुरू करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन कौन प्रतिलोम अनुपात में है, क्योंकि अभी हम सीधा अनुपात और या अनुक्रमानुपाती समानुपात और प्रतिलोम समानुपात की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब इनमें से हमको छांटना है कि हम कैसे पता करेंगे कि किस प्रकार के सवाल को हम कहेंगे कि ये अनुक्रमानुपाती प्रतिलोम में है, समानुपात में है, या प्रतिलोम समानुपात या व्युत्क्रमानुपाती समानुपात में। चलिए ये कुछ प्रश्न दिए समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय देखिए। कोई कार्य एक निश्चित उद्देश्य के लिए होता है, जैसे घर बनाना है, तो घर बनाना है तो घर पहले सुनिश्चित करना पड़ता है कि कितना बनाना है। तो यदि घर बनाने में कितने व्यक्ति लगेंगे और उनकी संख्या कितनी होगी, तो जाहिर है कि यदि हम ज़्यादा आदमी लगा देंगे तो समय कम लगने वाला है, और अगर हम कम आदमी लगाएंगे तो समय ज़्यादा लगने वाला है। अर्थात ये बैलेंस होने वाला मामला है। जब बैलेंस होने वाला मामला अगर हो जाए, यानी कोई चीज़ बढ़े और तो उसके काउंटर करने के लिए कोई चीज़ घटे, और अगर कोई बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो हम समझ जाते हैं कि ये प्रतिलोम समानुपात में है। तो देखिए कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, बस समझ में आ रहे हैं कि अगर व्यक्ति संख्या बढ़ेंगी तो सही समय कम लगेगा, और समय कम लगाना है तो फिर समय अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ाइए, और व्यक्तियों की संख्या कम करेंगे तो समय बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया प्रतिलोम समानुपात, यानी इसका आंसर हुआ प्रतिलोम समानुपात। ये प्रतिलोम समानुपात। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी, एक समान चाल से चल रहे हैं, मतलब समझ लें कि हम यहाँ से 20 किलोमीटर जा रहे हैं मान लीजिए, तो 20 किलोमीटर चलने में कितना समय और दूरी लगेगा। जाहिर है अगर चाल बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगी, समय क्योंकि दूरी तो बढ़ नहीं रही, तो अगर हम समय बढ़ाएंगे तो क्या हो गया, जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी कि क्या है चाल बढ़ाएंगे किसी समान चाल से, चाल निश्चित चल रही है, कि एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। देखिए समय और दूरी का क्या संबंध है, दूरी तो उतनी ही रहेगी, समय बढ़ाएंगे तो चाल घटाना पड़ेगा, और यहाँ कह रहे हैं चाल निश्चित है, तो चाल निश्चित है तो समय और दूरी एक ही रहेगा, मतलब जितना समय लगना है और या मान लीजिए 20 किलोमीटर चलने में 20 ही मिनट लगे, और दूरी मान लो 20 किलोमीटर है, तो क्या हो गया, अनुक्रमानुपात हो गया। और अगर यही चीज जो है समान चाल से और दूरी ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या लगेगा, चाल वही रहेगी तो फिर समय बढ़ा जाए, मान लीजिए 20 की जगह 40 किलोमीटर कर दिया तो समय भी 20 से 40 मिनट बढ़ जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे ये इसका अनुपात बढ़ाते जा रहे हैं उसी निश्चित चाल में, तो वो अनुपात बराबर बराबर आता जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया अनुक्रमानुपाती हो गया, ये कैसा हो गया अनुक्रमानुपाती, यानी कि कोई एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज भी बढ़ानी पड़ेगी, अनुक्रमानुपाती समानुपात है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज को भी बढ़ाना पड़ेगा, बैलेंस नहीं हो रहा, दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब अनुक्रमानुपाती हो गया। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, जाहिर है कि ज्यादा एरिया होगा तो फसल भी ज्यादा होगी, खेती की गई भूमि का क्षेत्र, ठीक है, भूमि का जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही तो आपको फसल मिलेगी, इसका मतलब डबल क्षेत्रफल कर दें तो फसल भी डबल मिलने की संभावना बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ये भी अनुक्रमानुपाती हो गया, ये भी कैसा हो गया अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती समानुपात, मतलब जो चीज बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी भी चीज बढ़ रही है तो ही बैलेंस बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ जैसे इन दोनों हो रहा है। इसमें देखते हैं किसी निश्चित यात्रा में, यात्रा निश्चित हो तो मतलब हो गया दूरी पक्की होगी, में लिया गया समय और वाहन, चल यहां पर देखिए यहां पर दूरी निश्चित है तो यदि हम गाड़ी की चाल बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, और गाड़ी की चाल कम कर देंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसका मतलब ये बैलेंस कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है।
तो जब बैलेंस हो रहा है समय, एक को बढ़ाने पे एक दूसरी घट रही है और दूसरी को बढ़ाने पे पहली घट रही है, इसका मतलब ये हो गया कौन सा, ये प्रतिलोम समानुपात हो गया, ये बन गया प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो देखिए ये भी देश, देश तो पक्के रहते हैं, मतलब देश की बाउंड्री निश्चित रहती है, क्षेत्रफल निश्चित रहता है, तो वहां रहने वाले व्यक्ति जनसंख्या और प्रति व्यक्ति जाहिर जितनी जनसंख्या होगी उसी के अनुपात में तो हम उसका निकालेंगे कि कितना क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो क्षेत्रफल घटता जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जनसंख्या का क्या होगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल उनके हाँ क्षेत्रफल तो वही रहेगा ना। अगर हम एक निश्चित एरिया में ज्यादा आदमी बैठा देंगे तो उनको क्या है, जगह कम कम मिलेगी, और अगर आदमी कम हो जाएंगे तो उसके उनके लिए ये जगह ज्यादा ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये भी प्रतिलोम समानुपात की स्थिति दर्शा रही है, प्रतिलोम समानुपात की स्थिति दर्शा रही है। यही चीज हमको देख के समझ के और फिर इसी प्रकार के जब ये प्रश्न आएंगे तो उन्हें हल करना पड़ेगा। तो आइए आगे एक एक करके पढ़ाते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि एक टेलीविजन गेम शो में रुपया 1,00,000 की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जाती है, ठीक है, कोई गेम शो है टेलीविजन वाला, राशि फिक्स है कि 1,00,000 रुपया है, विजेताओं को समान रूप से वितरित की जाती है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, यानी ये सारणी है इसको पूरा करना है तथा ज्ञात करना है कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। ये देखिए जी, एक आदमी यहाँ पर दिया है, पुरस्कार की राशि फिक्स है और विजेताओं की संख्या ये दे रहा है कि अगर एक होगा तो कितना पैसा पाएगा, राशि 1,00,000 ही है, तो अगर दो अगर जीत जाते हैं तो कितना कितना पाएंगे, चार जीतते हैं तो कितना, पांच में कितना, आठ में कितना, दस में और बीस में, इसको भाग के दिखाना है। तो जाहिर है जब एक आदमी है तो जीतेगा तो पूरा पूरा पा जाएगा 1,00,000, इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा दो है तो क्या हो जाएगा, आधे आधे हो जाएंगे, मतलब राशि घट, मतलब आधी आधी हो जाएगी, मतलब उसका अनुपात तो गिर जाएगा ना। और चार आदमी होंगे तो उसी राशि को चार जगह, मतलब उसके टुकड़े होते चलेंगे तो और घटता चला जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि यार ये बढ़ेंगे तो ये घटेंगे, और ये घटेंगे तो ये बढ़ेंगे, नहीं इधर से ये घटेंगे तो ये इधर बढ़ते, देखिए ये बढ़ा हुआ है तो ये घटा हुआ है, अब ये घटेगा तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, घटेगा तो क्यों कितना हो जाएगा, चलो निकाल के देखिए। सबसे पहले ये लिखिए कि वो क्या रहा है, दो, जब दो हो जाएंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं, दो हो जाएंगे तो कितना पाएंगे, 50,000 रुपये पाएंगे, 1,00,000 का दो जन कैसे बांटेंगे, 50,000 रुपये बांटेंगे, चार जन को बांटना है तो कितना हो जाएगा, 25,400 अर्थात 25,000 रुपये बांटेंगे, आठ पांच लोग हैं तो कितना और कम जाएगा, 1,20,000 का, इसमें जितना ये संख्या है ये हमारा, पहले ये लिख लेंगे वो क्या रहा, ये देखिए ये ज्यादा है तो ये कम है, ये कम हुआ तो ये ज्यादा हो गया, ये कम हुआ तो ये ज्यादा होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये बैलेंस बनाते जा रहे हैं कि क्या स्थिति आ रही है, ये वाली आ रही है, ये जो है व्युत्क्रमानुपाती अनुपात बन रहा है, व्युत्क्रमानुपाती अनुपात की स्थिति बन रही है, स्थिति है। अब व्युत्क्रमानुपाती स्थिति कैसे है, अब रुपया कुल 1,00,000 ही है, ये रुपया कुल 1,00,000 है, आदमी बढ़ाते जाइए, पांच करेंगे तो पांच का भाग देंगे तो पांच से पांच दूनी दस, इसका मतलब हो गया पांच दो के आगे चार से 20,000 300 400। अगर आठ करते हैं तो आठ किसका, इसका आधा हो जाएगा, चार का आधा यानी कि 25 का आधा 12,500 हो जाएगा, 10 करते हैं तो और 10 टुकड़े हो जाएंगे, इसका मतलब 10,000 आएगा,
अब 20 करते हैं तो और गिर जाएगा, यानी 5 5 हजार, 20 25 100, 5 5 हजार पाएंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक की तुलना में 1 लाख है, यदि 2 आ जाएंगे तो ये राशि घट रही है, 4 आ रहे हैं तो और घट रहा है, देख रहे हैं कि एक जब बढ़ता रहा है तो दूसरी राशि घट रही है। इसका मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती समानुपात हो रहा है। तीसरा भी देखते हैं, इसमें ये तीसरा प्रश्न है कि रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है, ऐसा एक पहिया बना रहा है, वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है। समान तीलियां का मतलब होता है कि जितनी तीलियां एक तरफ लगाएगा उतनी दूसरी तरफ, ऐसा कि इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच, युग्म का मतलब होता है इन, जैसे इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच, इन जोड़ों के बीच युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं, तो निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तो पहले तो एक तो ये कह रहा है कि ये जो इस तरह बढ़ रहा था, और ये सारणी कैसे बनाइए, तीलियों की संख्या, जैसे यहाँ पर 4 दी है, यहाँ पर कितने हैं देखिए, 3 3 6, यहाँ पर 8 है, ऐसे करके और भी है, 1 में 10 और 1 में 12 लगा रहा है। तो पहले तो सबसे पहले इसको पूरा करना है, फिर इसमें 3 प्रश्न सॉरी 3 प्रश्न और हैं, हम उनको एक एक करके उठाएंगे। तो पहले तो ये सारणी भर लेते हैं, सारणी भरने के बाद फिर देखते हैं कि हमारा हल किस प्रकार होगा। तो देखिए इसमें हमें हल करने के पहले ये तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के बीच का जो हिसाब किताब बनाना है, इसमें हमें 2-3 चीज़ें समझ लेनी पड़ेगी। समझना क्या है, समझना ये है कि ये एक वृत्त बन रहा है, सब नंबर 1, जो वृत्त होता है उसके भीतर का कोण कितना होता है, पहले हमें 2-3 चीज़ समझ लेनी है। क्या होता है वृत्त का संपूर्ण का, वृत्त का कोण, यानी वृत्त का क्या है, आंतरिक कोण कुल होता है, आंतरिक कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो जो जो भी तीली लगाएगा, जो भी ये डंडी इस्तेमाल कर भीतर इस्तेमाल करेगा, तो अगर उसने 2 डंडी फंसा दी, अगर एक कुछ नहीं लगा है, एक ही लगा है तो पूरा 360 ही होगा, 2 लगा देगा तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसका मतलब जितनी तीलियां यहाँ बढ़ाता जाएगा, जैसे मान लो मैंने 2 लगानी है तो 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 180, अगर इसी में मैंने 4 लगानी है जैसे इस पे दिया हुआ तो 4 हो जाएगा, 4 ना ही 36 या 90 बन जाएगा। ऐसे इसकी जगह मैंने अगर मान लो यहाँ पे जो 6 कह रहे हैं तो 6 6 36, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 6 36, 60 हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि ये भरो पहले इसको, तो ये कह रहे हैं चलो ठीक है जी यहाँ 8 ले लेते हैं, तो 8 का कैसे करेंगे, 8 का भाग दे दीजिए, तो 8 चौके 32, 32 और 4 8 5 40, यानी कि ये 45 डिग्री बन गया, ऐसे निकालना पड़ता है। अब अगर कह रहा है 10 तो ये है तो 360 ही है, लेकिन अभी तीलियां लग गई 10, तो 10 का भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये बन जाएगा 36 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 36 डिग्री। अब 12 लग रही है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 360 की जगह 360 में आप 12 का भाग दे दीजिए, यानी कि 12 1 12 12 2 36 30 आ गया, ये हो गया 30 डिग्री। तो ये हमारी इस तरह सारणी पूरी हो जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका इसका जो अनुपात है, जब ये इसमें ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो फिर कोण घट रहा है, जितनी तीलियां बढ़ती जा रही हैं तो कोण घटते जा रहे हैं, जब कोण बढ़ते यदि कोण इधर अब इधर आएंगे तो इधर दिखेंगे कोण बढ़ रहे हैं तो तीलियां घट रही हैं। तो क्या हो रहा है, जब कोई चीज एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है, या अगर घटे तो दूसरी बढ़े, इसका मतलब हो जाता है प्रतिलोम अनुपात। तो इसी में अब हमारे पे 3 प्रश्न बने हुए हैं, उनको करना है हमें, तो एक एक करके उठाते हैं। सारणी समझ पा रहे हैं कैसे भरना है, पहले तो हमको ये समझना था कि ये सारणी भरी कैसे जाएगी, क्योंकि ये वृत्त है, वृत्त का कोण होता है 360 डिग्री, अभी हमने यहाँ लिखा था, तो यहाँ चाहे यहाँ पर भी लिख लीजिए वृत्त का आंतरिक कोण 360 डिग्री होता है। अब इसी को आधार मान के हमें काम करना है, ये आधार मान के हमने काम निकाल लिया। अब देखिए एक एक करके उठाइए, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है, बिल्कुल जी, यहाँ देखिए बड़ा बड़ा कोण दिख रहा है, यहाँ तीलियों की संख्या बढ़ाई तो कोण घट गया, तीलियों की संख्या और बढ़ाई तो कोण घटते जा रहे हैं, ये उसका प्रमाण दिख रहा है। तो ये क्या है, यह है प्रतिलोम समानुपात में। तो इसका आंसर पहले वाले का है,
क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों की किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है? तो हाँ जी, प्रतिलोम समानुपात में। हाँ, प्रतिलोम समानुपात में है, समानुपात में है। अब इसी का जो दूसरा कह रहा है उसको देखिए। अब ये दूसरा प्रश्न इसी में है कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। अब ये जो ऐसे करके वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है 15 बना, 15 हो गए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अब ये 15 हो गए तो अब कितना होगा? ये 15 हो गए तो कितना होगा ये करके बताइए। तो जी पहले तो हमने सीधा सीधा भर लिया था कि वो इसके अनुपात में, लेकिन अब चूंकि अब ये इसके हिसाब से भरिए तो ये मान के चलते हैं कि ये एक्स है। तो यहाँ लिख लीजिए, माना कोण एक्स है किसी युग कोण पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर लिख लीजिए, माना कोण एक्स है, ठीक है। अब जब कोण एक्स है तो क्या है, अभी अभी ये हमने देखा है कि ये जो बढ़ रहे हैं तो ये घट रहे हैं, यानी प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है। प्रतिलोम अनुपात की स्थिति में क्या हो जाता है, इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर हो जाता है। कैसे? 4:90 से अनुपात 15 एक्स के अनुपात से बराबर होता है। लेकिन ये अनुपात कैसी होती है? प्रतिलोम अनुपात। कितने? प्रतिलोम। प्रतिलोम में क्या होता है? प्रतिलोम अनुपात का मतलब होता है इन दोनों को बैलेंस, इन दोनों के बैलेंस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 4 में 90 का गुणा 15 में x के गुणा के बराबर ही होगा। तो x का मान निकाल लीजिए तो वही हो जाएगा 4×90/15। 15×60, 15×75, 15×90 अर्थात 4×6 अर्थात 6×24 डिग्री। ये हमारा जब ये तीलियाँ 15 हो जाएंगी तो डिग्रियाँ देखिए और घट जाएगी, यानी 24 डिग्री हो जाएगा। इसी में तीसरा देखते हैं। अब इसी में ये तीसरा है, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या। अब यहाँ पर ये जो जो स्थिति है ये बदल गई, अब ये स्थिति बदल गई। अब क्या बदल रही है? यहाँ पर ये स्थिति बदल गई। ये कह रहे हैं कि कोण आपकी बार दे दिया है 40 डिग्री। अब कोण 40 डिग्री है तो इसकी संख्या ज्ञात करनी। मान लेते हैं ये ए है, अब कुछ नहीं है तो मान लेते हैं ए मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना कोण, ये क्या है? माना तीलियों की संख्या। तीलियों की संख्या ज्ञात करनी, मान लिया ए तो माना तीलियों की संख्या, माना तीलियों की संख्या ए है, और ये स्थिति हमारी प्रतिलोम अनुपात की है। और स्थिति कैसी है? स्थिति है प्रतिलोम या व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो प्रतिलोम स्थिति हमारा सारा हिसाब क्या पहले वाले से चल रहा है, तो पहले वाले का अनुपात दूसरे वाले अनुपात के बराबर होना चाहिए। अनुपात का मतलब ये हो गया कि 4:90 में से गुणा 1:40 में गुणे के बराबर होना चाहिए, अर्थात ए बराबर हो जाएगा 4×90/40 अर्थात 9। 9 क्या आ गई? ये तीलियां। इस प्रकार ये हमें, यानी जब 40 डिग्री होगा तो हमारे पास कितनी तीलियां और रहमान लगाएगा? 9 टीवी लगाएगा। इस प्रकार ये एक एक करके और बढ़ाते लेते हैं चौथा सवाल। अब ये चौथा प्रश्न लेते हैं कि यदि किसी डिब्बे की मिठाई को, एक डिब्बा है उसमें कुछ मिठाइयां हैं, 24 बच्चों में बांटा जाए, यानी उस मिठाई को 24 बच्चों में बांटा गया है तो प्रत्येक बच्चे को 5-5 मिल रही है, 5 मिठाइयां मिलती हैं, और यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाती है, यानी अब 24 बच्चों में से 4 निकल गए, कितने बचेंगे? 20।
में चार की कमी हो जाए तो अब 24 में से चार निकल गए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी। तो देखिए ये, देखिए बच्चे 24 हैं तो पांच, अब चार निकल गए तो मिठाई की संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये प्रतिलोम स्थिति, बच्चों की संख्या ज्यादा थी तो मिठाइयों की संख्या कम आ रही थी, अब बच्चों की संख्या कम हो गई तो मिठाइयों की संख्या बढ़ जाएगी अपने आप। तो ये स्थिति बन जाएगी हमारी प्रतिलोम अनुपात की। तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं, चार्ट बोल रहे हैं सारणी बना लेते हैं, और सारणी में हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले लिख लेते हैं बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, और इधर लिख लेते हैं मिठाइयाँ कितनी मिल रही हैं। मान लेते हैं कि अब पहले तो ये दिया क्या है, 24 बच्चे हैं तो पांच मिल रही थी, अब 24 में से बोल रहे हैं कि वो चार चले गए तो कुल कितने बचे 20, तो इनको कितनी मिलेगी मान के चलते हैं एक्स। तो यही तो स्थिति हमारी प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है। तो पहले तो लिख लीजिए कि माना मिठाइयाँ एक्स मिलेगी, माना एक्स मिठाइयाँ मिलेंगी, ठीक है, मिठाइयाँ मिलेंगी। वो स्थिति क्या बन रही है, स्थिति बन रही है प्रतिलोम अनुपात की, स्थिति बन रही है प्रतिलोम समानुपात की, स्थिति प्रतिलोम समानुपात की स्थिति बन रही है। तो प्रतिलोम और समानुपात में क्या होता है, इस दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात में बराबर हो जाता है। तो 24 का, सॉरी कर दीजिए, 5 से अनुपात जो होगा वही 20 का एक्स से अनुपात होगा, ये प्रतिलोम अनुपात की स्थिति। इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक्स का मान निकाल लीजिए, 24 × 5/20, तो 5 × 5, 5 × 20, 4 × 4, 4 × 24, इसका मतलब हो गया एक्स बराबर 6, 6 क्या आएगी मिठाइयाँ। अब बच्चे कम हो गए तो मिठाइयों की संख्या बढ़ गई, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। लेते हैं पांचवा, ये उसी टाइप का दूसरा प्रश्न है ये 5वें नंबर का, कि एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है, ठीक है, यानी एक पशुशाला है जिसमें 20 पशु हैं, 6 दिन तक के उनका खाना पर्याप्त है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ गए, जाहिर है कि 10 पशु और बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि 20 में से 10 और आ गए, मतलब हो गए 30 पशु हो गए। तो यह कितने दिन है, 30 पशु आ गए, तो जाहिर कि अब जो भाई 20 6 दिन खा रहे हैं तो 30 में से और कम दिन हो जाएंगे, कम दिन हो जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा ये प्रतिलोम अनुपात स्थिति बन रही है। जब प्रतिलोम अनुपात स्थिति बन रही है तो फिर वही काम हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले एक इसका जो है सारणी बना लीजिए, या ग्राफ, ये जिस सारणी जो भी कहते हैं इसको सारणी बना लेते हैं। और सारणी में पहले क्या ले लेंगे, पशुओं की संख्या ले लेते हैं, पशुओं की संख्या, और यहाँ उसमें भोजन कितने कितने दिन का भोजन, और ये भोजन के दिन, दिन कितने दिन भोजन के दिन, भोजन के दिन कितने आएंगे। तो पशुओं की संख्या मान के चलते हैं, मान के अभी 20 दिया है तो ये 6 दिन चल रहे हैं, अब 10 और आ गए, यानी 20 में से 10 और आ गए, अब इस वक्त तो कितने हो गए हमारे पास, 30 हो गए। तो ये मान के चलते हैं कि एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पशु 20 हैं तो 6 दिन, 30 हो गए तो दिन घट जाएंगे, दिन घट जाएंगे, इसका मतलब प्रतिलोम अनुपात हो रहा है। तो यह लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे इसमें, माना भोजन के दिन एक्स है, यानी कि एक्स दिन के लिए भोजन पर्याप्त है, माना कि भोजन एक्स दिन चलेगा, भोजन एक्स दिन चलेगा, और क्या है भोजन एक्स दिन, और प्रतिलोम स्थिति, प्रतिलोम समानुपात की स्थिति, दो चीजें स्पष्ट हो जाए बस इसी में से हमारा काम हो जाएगा। प्रतिलोम समानुपात की ये स्थिति हो रही है, प्रतिलोम समानुपात की स्थिति हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों का अनुपात यानी 20 का 6 से अनुपात और 30 का 6 एक्स से अनुपात ये बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि
20 का 6 में गुणा और 30 में x के गुणा के बराबर होता है। अब बहुत आसान हो गया, 20 में 6 का गुणा कर दीजिए, 30 का भाग दे दीजिए, 3 से ही कट गया, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 गुणे 2 अर्थात 4 दिन तक भोजन चलेगा। जो भोजन 6 दिन चलना था अब वो कितने दिन चलेगा? 4 दिन चलेगा। ये छठवां नंबर एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसविंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए, जैसा अभी किया है बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है। इसमें क्या करना है, पहले तो ये बना लेते हैं, काम फिक्स है और 3 व्यक्ति लग रहे हैं 4 दिन के लिए, तो व्यक्ति और दिन, तो यहाँ पर लिखे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या और ये लगे दिन, मतलब दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। अब दिनों की संख्या क्या होती है, व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति हैं 3 और दिन लग रहे हैं 4। अब स्थिति उल्टी कर रहे हैं, वो काम उतना ही है, 3 की जगह अब 4 लगा दे रहे हैं, यहाँ पर अब 4 आदमी लग रहे हैं, तो कितने दिन में हो जाएगा? जाहिर है कि अब 4 व्यक्ति हो गए तो समय कम लगेगा, दिनों कम लगेंगे, तो मान के चलते हैं x दिन लगेंगे। तो जो जो लिख माना है वो पहले लिख लेते हैं। माना दिनों की संख्या x हो, माना दिनों की संख्या x है और स्थिति कैसी है? स्थिति है प्रतिलोम समानुपाती। कैसी? प्रतिलोम समानुपाती ये स्थिति है। जब प्रतिलोम समानुपाती की स्थिति है तो उसको हल कर दीजिए। क्या करना है, इधर का अनुपात यानी इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी समानुपात में हो जाएगा। तो 3 का इस 4 से गुणा और इस 4 का x से गुणा, ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, तो हमें x का मान निकाल लेना है जैसे कि अभी पहले निकाला था। तो 3 गुणे 4 बटे 4 ये कट गया, अर्थात 3 बचा, तो 3 दिन लगेंगे, यानी 3 दिन, 3 व्यक्ति जो है 4 दिन काम कर रहे हैं, तो 4 व्यक्ति मिलकर 3 दिन में इस काम को खत्म कर देते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। अब बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हों, तो कितने बक्स भरे जाएंगे? देखिए, एक बक्सा है, उसमें 25 बक्स, एक बैच के 25 बक्सों में रखा जाता है, मतलब कुछ सामान है 25 बक्सों में रखा जाता है और प्रत्येक में 12 बोतलें रखी जाता है। अब बैच वही है, अब वो क्या कर रहे हैं कि 20 बोतलें रखनी है, तो क्या हो जाएगा, जब 20 बोतलें रखनी है, 25 रखते थे तब 12 आती थी, तो 20 में तो जा ही रही, अब क्या बढ़ेंगी, ये अंतर पड़ेगा कुछ, किसमें अंतर पड़ेगा, चल के देखते हैं। तो लिखते हैं, पहले हमको ये सारणी बनानी है, ये ले लीजिए, ये सारणी बनाई और यहाँ पर पहले क्या लिखना है हमको, बोतलों की संख्या 12 बोतल, तो बोतलें ले लेते हैं, तो ये है बोतलों की संख्या। अब ये बोतलों की संख्या हो गई, अब इसी में क्या निकालना है, प्रत्येक बॉक्स में कितनी बोतलें रखी जाती हैं, तो प्रत्येक बॉक्स में बोतलों की या 25 बक्सों की संख्या, क्या लिखना है, बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या, बैच चूंकि वही है, तो देख लीजिए कितना कितना आ रहा है, बोतलें कितनी रख रही हैं और बक्से कितने रख रहे हैं, बक्से कितने हैं यहाँ पर 25, तो बोतलें आ रही हैं 12,
अब प्रत्येक बक्स में 20 बोतल भरना है, यानी क्या करना है, प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें। अब ये जो है बोतलें बढ़ गई 20, तो बक्सों की संख्या हो गई मान ले x, तो बोतलें 12 बक्से ज्यादा है, बोतलें बढ़ गए तो ये क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। कैसे घटेंगी चलो करके देखते हैं। तो पहले तो क्या ले लेते हैं, माना बक्सों की संख्या, माना बक्सों की संख्या x है, ठीक। और स्थिति क्या बन रही है, एक जब ये बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसका मतलब स्थिति जो निर्मित हो रही है वो बन रही है प्रतिलोम समानुपात की, प्रतिलोम समानुपात। जब ये प्रतिलोम समानुपात की स्थिति होती है तो इन दोनों का अनुपात यानी कि 12 का 25 से अनुपात 20 का x के अनुपात से बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि 12 का 25 में गुणा 20 का x में गुणा के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है 12 का 25 में गुणा और ये 20 का भाग। तो शुरू कर देते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12 और 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25 अर्थात 3 × 5, 3 × 5 अर्थात ये अब जो है 15 क्या बोतलें भरी जाएगी में, यानी कि ये यानी कि बक्सों की, सॉरी बोतलें नहीं, बक्सों की संख्या 15 बक्से, यानी बोतलों की संख्या नहीं, 15 बक्स, 15 बक्स लग रहे हैं तुम्हारे पास। पहले लग रहे थे 12 बोतल भर रहे थे तो 25 बक्स लग रहे थे, तो 20 बोतलों में ये बक्से कम लग रहे हैं, ठीक है। अगला लेते हैं, ये 8वां क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, ये उसका मतलब वो काम करने का तरीका है। अब उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये फैक्ट्री वैक्ट्री का जो काम होता है उसको उनको ऐसा ही ऑर्डर मिलता है कि कभी टाइम कम मिलता है कभी ज़्यादा मिलता है, लेकिन प्रोडक्शन उनको देना पड़ता है। तो जब उतना ही काम क्या करें, वस्तुएं उतनी ही बनानी है, लेकिन अब उनको टाइम कम मिल रहा है, कितना मिल रहा है, पहले 63 दिन मिलते थे, अब की बार 54 दिन मिला है, तो जाहिर है कि अब इसको क्या करना पड़ेगा, मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो सामान तो नहीं बनाना है, तो सामान फिक्स है, तो जब दिन उसको कम मिल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसको दिन 63 से 54 हो गए तो समय क्या बनेगा, मशीन बढ़ानी पड़ेगी। मशीन बढ़ानी पड़ेगी मतलब प्रतिलोम अनुपात की स्थिति बन रही है, तो प्रतिलोम अनुपात की स्थिति बन रही है तो हम सबसे पहले जो है ये बना लेते हैं सारणी और इसमें लिखते हैं और जो स्थितियाँ बन रही हैं वो निश्चित करते हैं। तो पहले क्या करना है, 63 दिन है और क्या है, मशीनों की संख्या, तो यहाँ लिखिए मशीनों की संख्या, मशीनों की संख्या लिख लिया और क्या है लगे दिन, यानी दिनों की संख्या, ऐसा लिखते दिनों की संख्या। तो मशीनों की संख्या कितनी है जी, मशीनें यहाँ पर है 42, तो लग रहे हैं कितने दिन, 63 दिन लग रहे थे। अब आपके पास दिन घट गए, दिन कितने हो गए हैं 54 दिन। अब उसको मान लेके चलते हैं कि अब मशीनों की संख्या लग जाएगी x को मिला के, तो चलिए क्या क्या स्थिति बनी। तो पहले हमने क्या माना है, मशीनों की संख्या माना है x लगेंगी, तो मशीनों की संख्या x लगेगी, ठीक है, बताओ अब x मशीनें लगेंगी। और क्या है स्थिति क्या बनी है, स्थिति क्या है, स्थिति यह है कि प्रोडक्शन उतना ही देना है, तो इनका स्थिर करने के लिए जब दिन घट रहे हैं तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हो गया कि प्रतिलोम स्थिति बन रही है, कैसी स्थिति बन रही है, प्रतिलोम, प्रतिलोम समानुपात की स्थिति बन रही है। और जब प्रतिलोम समानुपात की स्थिति बन रही है तो इन दोनों, या ऐसा लिख लीजिए इसका इधर कर लीजिए तो आसानी और अच्छा रहेगा, एक्स का अनुपात 54 से और 42 का इस 63 से अनुपात बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए का मतलब हो गया 42 का 63 से गुणा और एक्स का
चौवन से गुणा, ये दोनों बराबर होंगे, जब बराबर हो जाएंगे तो 42 × 63/54 काटिए, किस कट रहा है, ये हो जाएगा, किससे काट दें, दो से, बहुत सबसे नहीं सब ध्यान हो जाए तो दो से काटा करें, दो त्याई दो दूनी चार और दो सत्ते 14, तो दो से कट गया 21, अब 21 जो है 27, तो 3 × 7 = 21 और 3 × 9 = 27, 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63, इसका मतलब 7 × 7 आ गया, अर्थात हमारे को 49 क्या लगेगी, मशीनें लगेंगी, कितनी मशीनें लगेंगी, इतनी मशीनें लगेंगी हमारी इस काम को पूरा करने के लिए। अब ये प्रश्न नंबर 9 है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 60 किलोमीटर की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। अब क्या है, इस चाल को कितना कर दिया है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर हो गया, यानी चाल बढ़ा दी, की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। देखिए जगह फिक्स है, कार 60 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है प्रति घंटे के हिसाब से, तो 2 घंटे का लगेगा, और 80 चल रही है तो जाहिर है कि कम समय लगेगा, कितना कम लगेगा चल के देखते हैं। तो इसके लिए फिर वही तरीका है, सारणी बनाते हैं, और सारणी में निर्धारित करते हैं, क्या करते हैं, पहले एक तरफ लिख लेते हैं चाल और लगा समय, एक लिख लेते हैं चाल और एक में लिख लेते हैं लगा समय, चाल किसी किलोमीटर पर आवर में दिया है तो ये भी लिख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, तो चाल है जब 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो 2 घंटे लग रहे हैं, घंटे यहाँ लिख लेते हैं घंटे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, चार कार की स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड कितनी हो गई है 80, अब 80 हो गया तो मान के चलते हैं एक्स कम लगेगा, ये ठीक है, कितना कम लगेगा देखते हैं। तो क्या क्या चीजें होगी, स्थिति एक लगा समय हमने माना एक्स, तो लिखते हैं माना लगा समय एक्स घंटे है, ठीक है, जब एक्स घंटे समय लगा है और क्या है, तो स्थिति क्या बन रही है, ये इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होना चाहिए, जगह उतना ही है, मतलब दूरी उतनी, जो स्थान फिक्स है, तो ये स्थिति बनी जो हमारी प्रतिलोम स्थिति, प्रतिलोम स्थिति को हम कैसे लिखेंगे, प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात को कैसे बनाते हैं, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है, तो 80 का एक्स से अनुपात 60 का 2 के अनुपात बराबर होता है, चाहे कैसे भी लिख लें कोई दिक्कत नहीं उससे, तो ये 60 का 2 में जगह गुणा कर दें तो 80 का एक्स में गुणा के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 60 × 2/80, 80 में से 100 कट जाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, अर्थात ये बचा 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5 घंटा, 1.5, और ये क्या लग रहा है चाल, तो ये आएगा के एम पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नहीं, लगा समय, समय समय है समय 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 समय, तो अगर इसका भाग दे देंगे तो 1.5 घंटे 1.5 घंटे लग रहा है, ये हमारा आंसर। ये 10वां प्रश्न है, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं, ये कंडीशन है, ठीक है, 2 व्यक्ति एक घर है वहां पर 3 खिड़कियां नई खिड़कियां लगनी है जो कि 3 दिन में लग हो सकता है। अब कंडीशन ये आ रही है कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति का बीमार पड़ जाता है,
देखिए ये तो आकलन था, अब काम शुरू ही जैसे ही होने वाला था, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, अब यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो इसको लिए पहले सारणी बनाइए और समझने की कोशिश करते कैसे पूरा होगा। तो ये रहा हमारा सारणी का, तो कितने हैं, पहले क्या है, व्यक्ति और दिन दो चीजें हैं हमारे पास, तो यहाँ पर लिखिए व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, और यहाँ पर लिखेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। अब क्या क्या है देखिए, कंडीशन क्या था कि तीन दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, दो व्यक्ति जो है, व्यक्ति यदि दो आदमी यदि काम कर रहे थे तो लग रहा था तीन दिन। अब काम क्या हुआ, काम जैसे ही शुरू होना था एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, यानी कि व्यक्ति हो गया, अब एक बीमार पड़ गया तो एक ही तो बचा, तो कितने दिन लगेंगे, मान के चलते हैं एक्स दिन लगेंगे। तो स्थिति क्या बन गई, स्थिति बन गई प्रतिलोम अनुपात, अब एक ही व्यक्ति उस काम को पूरा पूरा करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहले यहां लिख लेते हैं माना दिनों की संख्या, माना दिनों की संख्या एक्स है, अब मतलब एक्स दिन लगेंगे, और स्थिति कौन सी बन रही थी, स्थिति बन रही थी प्रतिलोम, प्रतिलोम समानुपात की स्थिति बन रही थी। अब जब ये स्थिति आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाता है, यानी कि एक और एक्स का अनुपात और दो और तीन के अनुपात में बराबर हो जाता है। इसका मतलब दो गुणे तीन, अर्थात अब वही बंदा अकेले छह दिन तक काम करेगा तो ही खिड़कियां लग पाएगी। अब इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं, अब इसी का दूसरा पार्ट ये है कि अब दूसरा पार्ट ये क्या कह रहा है कि एक ही दिन अब कर मिलेगा, वो तो पहले ठीक है, अब एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे, तो अब सारणी तो वही है, अब ये कंडीशन बदल रही है। कंडीशन क्या है कि एक दिन दे रहा है एक, तो वह मान के चलते अब कितने आदमी लगेंगे, तो मान के चलते हैं एक्स आदमी लग रहे हैं, अब एक्स आदमी लग रहे हैं, तो वही स्थिति क्या बन रही है, स्थिति तो वही है फिर विलोम अनुपात की, तो लिखना तो वही पूरा पड़ेगा। माना अब क्या है, एक्स व्यक्ति लगेंगे, माना एक्स व्यक्ति, माना एक्स व्यक्ति लगेंगे, और स्थिति तो वही है, स्थिति कौन सी है, प्रतिलोम समानुपात की, ये प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है, और जब प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के अभी भी बराबर होना चाहिए, तो दो का तीन से अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर दो गुणे तीन, अर्थात ये अब ये कितने अगर छः, छः क्या हो जाएंगे, अब व्यक्ति लगेंगे, पहले वहां पर दिन लग रहे थे, अब एक ही दिन में काम निपटाने के लिए छः व्यक्ति हमें लगाने पड़ेंगे। लेते हैं अगला प्रश्न, ये ग्यारहवां प्रश्न ये कह रहा है कि किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। कालांश का मतलब वो पीरियड, जो आपके पीरियड लगते हैं ना, हिंदी गणित अंग्रेजी ऐसे अलग अलग, तो वो पीरियड है, कितने लग रहे हैं, 45 मिनट के 8 पीरियड लग रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, यानी अब टाइम नहीं बढ़ाना है, यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो, यानी अब एक पीरियड बढ़ा रहे हैं, कितने 8 की जगह 9 पीरियड कर रहे हैं, टाइम नहीं बढ़ाना, टाइम नहीं बढ़ाने का मतलब टाइम उतना ही लगे लेकिन पीरियड बढ़ा देने हैं, तो प्रत्येक अब कितने, अब ये तो जब ये पीरियड बढ़ाएंगे तो समय घटेगा, तो समय घटेगा तो कौन सी स्थिति बन गई, ये भी वही बन रही है प्रतिलोम समानुपात की, प्रतिलोम समानुपात की स्थिति के लिए तो फिर सबसे पहले वही हमें सारणी बना लेनी है, और क्या क्या लिख लेना है, पीरियड और लगा समय, तो यहाँ पीरियड माने कालांश, ये कालांश और कालांश का समय जो होता है समय, तो ये मिनट में दिया है तो आप भी मिनट में लिख लो, तो कालांश कितने थे, 8 कालांश थे तब लग रहा था 45 मिनट, अब ये कालांश हो गए हैं 9, तो मान के चलते हैं एक्स मिनट लिखेगा, तो जब ये कम थे तो 45 मिनट था, अब ये बढ़ा गया, बढ़ा दिया तो ये घट जाना चाहिए, घट जाना चाहिए, इसका मतलब यह है कि प्रतिलोम अनुपात स्थिति बनेगी,
क्या लिखा है हमने? सबसे पहले माना एस मिनट लगेगा, जो माना है उसको ले लेंगे, माना समय एक्स मिनट लगेगा, कितना एक्स मिनट, एक्स मिनट है लगेगा का है लिख दीजिए सीधे सीधे। और स्थिति कौन सी बन रही है? स्थिति तो वही प्रतिलोम की बन रही है, कौन सी? प्रतिलोम समानुपात की, प्रतिलोम समानुपात की। जब प्रतिलोम समानुपात का इसका अनुपात इसके अनुपात से बराबर हो जाएगा, 9 का एक्स से अनुपात और 8 का 45 से अनुपात, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 9 का एक्स में गुणा होने से 8 का 45 में गुणा होने के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 9 का भाग दे देने से 8 गुणे 45 भागे 9, 9 एकम 9, 9 पर 9 45, यानी कि 8 गुणे 5 अर्थात 8 पंचे 40। अब 40 क्या है? मिनट, यानी कि अब वही पीरियड जो है 45 मिनट की जगह है अब 40 मिनट का लगेगा। इस तरह ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।